प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो आज हम जानेंगे कि परमेश्वर ऐसे कौन से लोगों को ढूंढ रहा है, कौन से व्यक्तियों को ढूंढ रहा है जिनके ऊपर शैतान कभी दोष नहीं लगा सकता। ये हकीकत है। अगर आप चाहते हो कि इस विषय में जानो तो इस वचन को, इस वीडियो को, इस रिकॉर्डिंग को पूरा ज़रूर सुनना। खुदावंद का आत्मा आज आपसे और मुझसे बात करेगा, ये ज़रूरी है। अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, और अगर हो सके तो उस वचन को ज़रूर शेयर करना ताकि खुदावंद का आत्मा किसी से बात करे और लोगों की ज़िंदगियों में परमेश्वर जो चाहता है वो होने पाए। हमें आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। अगर आपको लगता है कि आप वो व्यक्ति हो जिसको परमेश्वर ढूंढ रहा है, जिसके ऊपर शैतान दोष नहीं लगा सकता, तो आज इस वचन से अपने आप को परखने की ज़रूरत है हम सभी को। तो शैतान किस व्यक्ति पर दोष नहीं लगा सकता, ये एक बहुत गहरी बात है। और परमेश्वर ऐसे कौन सी व्यक्ति को ढूंढ रहा है जिसके ऊपर शैतान दोष नहीं लगा सकता। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है, उनके उदाहरण से हम लोग सीखेंगे। अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो उसको हम करेक्शन में लेकर आएंगे ताकि परमेश्वर की खोज हमें पाकर पूरी हो, खुदावन हमें पाकर, हमें खोज कर, हमें चुनकर खुश हो, आनंदित हो और ब्लेस हो। परमेश्वर को इस संसार में सबसे ज़्यादा निराशा उन विश्वासियों से होती है जो खुदावन को जानने के बाद शैतान के खुश होने का कारण बनते हैं और परमेश्वर के शर्मिंदा होने का कारण बनते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार विश्वासी कहते तो हैं मैं विश्वास करती हूँ, लेकिन बहुत बार हम शैतान के कामों को करने के द्वारा ना परमेश्वर की निंदा करते थे, जिसमें शैतान हम पर दोष लगाता था और शैतान कहता था देख यही है तेरा दास, यही है तेरी दासी, देख होगी ना गलती, निकल गया ना मुँह से, कर दिया ना पाप, निकल गया ना झूठ, चुगली कर दिया ना, व्यभिचार कर दिया ना, ठट्टा कर दिया ना, अनादर कर दिया ना, गड़बड़ी कर दिया ना, ये काम कर दिया ना, वो काम तोड़ दिया ना, क्या तोड़ दिया ना, चेतावनियाँ सुना दी ना तेरे को भी प्रभु, समझ रहे हो, तू तो इनका परमेश्वर है, ये तो तुझे अपना बाप मानते हैं, आज देख तेरे को भी सुना दिया इन्होंने, अपने रचने वाले से तो लड़ गए। कई बार शैतान परमेश्वर को बोलता है, बोलने का मौका एक विश्वासी स्वयं देता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें परमेश्वर उन हजारों करोड़ों विश्वासियों में से ना जिनके द्वारा परमेश्वर बहुत कुछ सुनता है, जिसके कारण परमेश्वर के ऊपर दोष लगाया जाता है, जिसके कारण परमेश्वर की रचना पर दोष लगाया जाता है, जिसके कारण शैतान कई बार बहुत आनंदित होता है इस बात को लेकर कि परमेश्वर की जो रचना है वो ऐसी हरकतें कर रही हैं, ऐसे काम कर रही हैं जिसके कारण परमेश्वर की निंदा हो रही है। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर उन लाखों हजारों हजार विश्वासियों के अंदर से भी ना कहीं एक ऐसे विश्वासी की इच्छा रखता है कि कोई तो एक ऐसा हो जिसके ऊपर मैं खुद घमंड कर सकूं, जिसकी मैं गवाही दे सकूं, हाँ ये मेरा विश्वास योग्य है, बुराई से बैर करने वाला, मेरा भय मानने वाला, नम्र और दीन है, मेरे अधीन है और खरा है, विश्वास योग्य है। किसी को तो कोई तो ऐसा निकले। परमेश्वर लाखों से इतना दुख नहीं होता जितना कि वो एक ऐसे विश्वास योग्य इंसान को पाकर खुश हो जाता है। अरे हाँ हाँ शैतान, मैं इसके विषय में तुझे गवाही दे सकता हूँ, मैं इसके विषय में तुझे सुना सकता हूँ, मैं इसके विषय में मैं कहता हूँ कि हाँ मैं इस पर घमंड करता हूँ और ये मेरा अभिषेक नहीं गिर सकता और ना ही ये मुझ पर दोष लगाएगा और ना ही ये मेरी निंदा का कारण बनेगा, चाहे तू परख ले, समझ रहे हो। तो वो अय्यूब था, अगर हम देखें तो अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था, अय्यूब की वजह से परमेश्वर का दिल बहुत खुश और आनंदित हुआ। क्यों? क्योंकि अगर हम देखते हैं कि शैतान उस पर दोष नहीं लगा पाया। शैतान ने कितने सारे अब्राम के ऊपर दोष लगा दिया, बड़े बड़े नबियों के ऊपर, बड़े बड़े अभिषिक्तों के ऊपर दोष लगा दिया, और भी कई सारे परमेश्वर के ऐसे नबी हैं जिनके ऊपर शैतान दोष नहीं लगा पाया, है ना। पुराने नियम में अगर हम पढ़ते हैं तो, अगर हम देखें तो एलिया नबी को, और यहाँ तक कि यीशु के ऊपर भी शैतान दोष नहीं लगा पाया, परमेश्वर यीशु प्रभु है हमारा जो, और अगर इसके साथ साथ और भी कहीं हैं, दानियल के ऊपर शैतान दोष नहीं लगा सका। तो मेन अगर पकड़ के देखिए अय्यूब को, अय्यूब के बारे में शैतान को यीशु ने, परमेश्वर ने साफ बोल दिया था, देख ये मेरा खरा है अभिषिक्त है, ये मेरा खरा अभिषिक्त है, मेरा भय मानने वाला है, बुराई से बैर करने वाला है और मेरा डर रखता है और विश्वास हो गया। मतलब ऐसी चार पांच गवाहियां परमेश्वर ने अय्यूब के ऊपर घमंड करके कि हाँ मुझे एक ऐसा व्यक्ति तो मिल गया जिसके ऊपर मैं घमंड कर सकूँ कि हाँ ये मेरी आज्ञा का पालन ऑलवेज करेगा, समझ रहे हो। तो उस व्यक्ति के द्वारा ना शैतान के ऊपर एक तमाचा पड़ा, उस व्यक्ति के द्वारा शैतान के ऊपर
एक एक लालचन लग गया। शैतान को शर्मिंदा होना पड़ा। परमेश्वर कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिनके ऊपर शैतान दोष नहीं लगा सकता, वरन शैतान स्वयं उन लोगों को देखकर शर्मिंदा हो। अरे यार, ये तो सच्चा परमेश्वर का अभिषेक है, समझ रहे हो। शैतान ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया अय्यूब को गिराने में, पाप में डालने में, व्यभिचार में डालने में, या मतलब किसी प्रकार से आत्मिक व्यभिचार हो गया, या किसी प्रकार से कुछ भी, कोई भी रीज़न समझ सकते हैं ना। एक उदाहरण दिया जा रहा है आपको, एक विश्वासी को, जब एक विश्वासी सच्चे परमेश्वर को छोड़कर अगर किसी और देवता की ओर फिर जाता है या उसको छोड़ देता है, तो एक तरीके से वो, अगर वो किसी और की उपासना करता है तो वो एक तरीके से आत्मिक व्यभिचार करता है, ध्यान रखना। और दूसरा, अगर हम देखें कि अय्यूब को घिराने के लिए शैतान ने पूरी एड़ी चोटी का जोर कैसे लगाया, उसके तन मन धन उसके बच्चों तक को घात कर दिया था। अगर हम देखें तो अय्यूब फिर भी एक ही बात कहता था कि जिस परमेश्वर ने मुझे सब दिया है, क्या उस परमेश्वर के हाथ से मैं दुख ना लूँ। वो परमेश्वर धन्य है, उसका नाम धन्य है। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उसके विरोध में हो गई। फिर भी मतलब शैतान ने घर नहीं छोड़ा, परिवार नहीं छोड़ा, फैमिली नहीं छोड़ी, फाइनेंस नहीं छोड़ा, उसका धन नहीं छोड़ा, उसकी नौकरी बिजनेस नहीं छोड़ा, मतलब उसके खेत कुछ भी नहीं छोड़ा। सब सब चीज़ों को ज़ीरो कर दिया था शैतान ने, अकाल कर दिया था बिल्कुल। लेकिन फिर भी परमेश्वर उस पर इतना भरोसा किए हुए हैं, और अय्यूब इतना दृढ़ता से परमेश्वर की ओर विश्वास योग्यता दिखाए हुए हैं कि वो चाहकर भी परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगा सका। वरन उसने यही कहा शद्रक मेशक अबेदनगो के समान कि अगर मेरा परमेश्वर नहीं बचाएगा तब भी हम उसको नहीं छोड़ेंगे, वो रहेगा, वो मेरा परमेश्वर ही। अय्यूब ने क्या कहा कि यदि मेरा परमेश्वर मुझे परमेश्वर ने खुशी दी, शांति दी, ब्लेसिंग दी, आशीष दी, और अगर वो मुझसे ले भी लेगा, अगर वो मुझे दुख भी दे देगा, समझ रहे हो ना आप इस बात को, खुलकर थोड़ा सा शॉर्ट में बताया जा रहा है आपको, जिस परमेश्वर ने मुझे सुख शांति सब कुछ दिया, क्या मैं उससे दुख ना लूँ। सोचो इतना प्यार। और उस बात की वजह से शैतान को शर्मिंदा होना पड़ा और परमेश्वर का सर ऊंचा हुआ। तो परमेश्वर आज कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो संसार की बातों के साथ समझौता नहीं करते। अय्यूब ने समझौता नहीं किया संसार के साथ, अरे नाश हो गया तो हो गया, चलो छोड़ो ना, क्या परमेश्वर पे विश्वास करें, अब जिस परमेश्वर ने दिया उसी परमेश्वर ने ऐसे ही कर दिया। उसने परमेश्वर पे झूठे दोष नहीं लगाए, अपनी सफाई, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें जो एक विश्वासी कर सकता था। प्रभु तूने मेरी नौकरी छीन ली, जॉब छीन ली, मेरी शादी रुक गई, ये हो गया, वो हो गया, तलाक हो गया, कोर्ट केस हो गया, प्रभु मैं नहीं जा रहा चर्च। हम संसार से समझौता कर लेते और खुदा को छोड़ देते या खुदा पर दोष लगाते हैं, तो वहाँ पर खुदा का दिल बहुत उदास होता है। आज बहुत से ऐसे मसीहों को खुदा देखता था, हम सभी ऐसे मसीहों को देखता था जिसके अंदर कहीं ना कहीं परमेश्वर को कोई ना कोई कमी नज़र आती थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहीं ना कहीं एक आस लगा कर बैठा है, उन हजारों लाखों में से कोई तो मुझे एक अय्यूब जैसा व्यक्ति मिलेगा जिसके ऊपर मैं घमंड से कहूँगा कि शैतान ये मेरा विश्वास योग्य है, ये मेरा विश्वास योग्य है, ये मुझ पर दोष नहीं लगाएगा, और इसको पाकर मैं शर्मिंदा नहीं होगा, वरन तू शर्मिंदा होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आज ऐसे मसीहों को ढूंढ रहा है जो खुदावन को खुश करे और शैतान को शर्मिंदा करे। खुदावन ऐसे मसीहों को ढूंढ रहा है जो संसार ऐसे विश्वासियों को, ऐसे अभिषिक्तों को, ऐसे सेवकों को, ऐसे प्रभु के बच्चों को ढूंढ रहा है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। खुदावन ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो संसार के साथ समझौता नहीं करते, समझ रहे। संसार के साथ समझौता करने का मतलब दूसरों को खुश कर देना, मनुष्य की बातों को मान लेना, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देना, परमेश्वर की चेतावनी को तोड़ देना, परमेश्वर की विधियों को, उसके दासों की बातों को, उनके वचन की विषय में अनाज्ञाकारिता कर देना, तीसरे त्योहारों में हाथ मिला लेना, वरना वो सब चीज़ जिसमें शैतान की इच्छा है, जिसमें शैतान चाहता है, जो शैतान से संबंधित है, दुष्ट आत्माओं से काम से संबंधित है, है ना। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर उन सब चीज़ों से मैं बचाना चाहते हैं, और सच बता रहा हूँ वो ऐसे अभिषिक्तों को ढूंढ रहा जो संसार के साथ समझौता नहीं करते, जो परमेश्वर की बात और उसके वचन, उसकी चेतावनी पर स्ट्रांग सीधा दृढ़ खड़े रहते हैं। दूसरा, वो शैतान को शर्मिंदा करने के काम करते हैं, चाहे घटी हो, चाहे बीमारी, चाहे तकलीफ हो, चाहे आंसू, चाहे समस्या, चाहे अकेले हो, चाहे दुखेले हो, चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन फिर भी प्रार्थना, आराधना, परमेश्वर से बात करना, उसके आगे प्रार्थना करना, उसके आगे आंसू बहाना, उसके आगे नम्र और दीन बनना, उसकी इच्छा मांगना, वरन धीरज धरना, उसकी बाट जोना, इंतजार करना, कभी नहीं छोड़ते। खुदावन ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है ताकि उनकी निर्मलता में अपनी सामर्थ को प्रकट करें। परमेश्वर बहुतों को बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन कई बार हम शैतान को शर्मिंदा नहीं वरन खुदा को शर्मिंदा करते थे, और शैतान बार बार उंगली उठाता था, देख यही है ना तेरे दास, यही ना तेरे विश्वासी, यही ना तेरे विश्वासी, देख कितनी बड़ी ये गलतियों पर गलती करे जा रहा है, तेरे वचन को तोड़ दिया, मनुष्य को खुश कर रही है, मनुष्य को खुश कर रहा है, पाप, व्यभिचार, ठट्टा, अनादर, गाली गलौज, गलतों गंदे काम, चुगली, निंदा, चोरी, लालच, घमंड, व्यभिचार, देख कितने पापों में, और ये तेरा नाम ऊंचा करेंगे, देख तेरे बच्चे, देख तेरा ही नाम डुबा रहे हैं, मसीह होने के बाद ऐसी हरकतें कर रहे हैं।
समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं शैतान परमेश्वर को शर्मिंदा करता था, शैतान के द्वारा, शैतान परमेश्वर को हमारी गलती के कारण शर्मिंदा करता था, देखते रहे लोग क्या कर रहे हैं, समझ रहे हो। क्योंकि शैतान अय्यूब के पास इसी बात को लेकर आया था, अभी देख वो तेरी निंदा करेगा, देख अभी वो तेरी निंदा करेगा तो बाड़ा तो हटा दे, अभी देख वो तेरी निंदा करेगा। और शैतान ही तो बात करता है, देख देख उसने तेरे लोगों को देख कैसे बोलना शुरू कर दिया, देख तेरे उसने अनादर करना शुरू कर, देख तूने उसको आशीष नहीं दी ना, देखो भन भन आ गया, देखो झुंझला गया, देखो तो चर्चाने से मना कर, देख यही तेरा दास है, तू इसी पे भरोसा रखता है, इसी पे तू घमंड करता था कि तेरी आज्ञा का पालन करेगा, बुराई से बैर करेगा, सीधा है, खरा है, तेरा भाई मानने वाला है, नम्र और दीन है, विश्वास योग्य है, तू इसी को कह रहा था। देख ये तो तुरंत पाप में गिर गया, तुरंत ये तो मुँह से तुनक कर बड़बड़ा गया, गलत शब्द बोल दिया, तुरंत इसने चर्च आने के लिए मना कर दिया। बात है कुछ और, लेकिन चर्च आने से मना कर रहा है, बात कुछ और है, गुस्सा चर्च पे निकाल रहा है, विश्वासी पे, कलीसिया पे, अभिषिक्तों पे। तो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आज आपसे और मुझसे चाहता है कि हम एक ऐसे विश्वासी बने, ऐसे व्यक्ति बने जिसके जिसको परमेश्वर खोज रहा है, और परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है जिसके ऊपर शैतान दोष नहीं लगा सकता, और शैतान ऐसे विश्वासियों पर दोष नहीं लगा सकता जो परमेश्वर की बात को पूरा करने के लिए, आज्ञा पालन करने के लिए, प्रभु को खुश करने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, समझ रहे हो। जो संसार के साथ समझौता नहीं करते, जो कभी परमेश्वर से नहीं लड़ते, जो परमेश्वर के विरोध में कभी खड़े नहीं होते, चाहे घटी, चाहे बीमारी, चाहे तकलीफ, चाहे समस्या, चाहे आंसू, चाहे कितना भी कोई भी बड़ी प्रॉब्लम थी, वो हर परिस्थिति में धीरज धरते हैं और प्रेम प्रकट करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना आराधना संगति करना वचन पढ़ना कभी नहीं छोड़ते, और इसके साथ साथ वो बाट जोते हैं और ना ही कभी परमेश्वर से लड़ते, ना ही किसी पर दोष लगाते, वरन अपना जीवन प्रभु के साथ अच्छा रखते हैं और प्रभु के गुणों को प्रकट करते हैं। हालेलुया। तो प्रभु आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिसके ऊपर मतलब शैतान दोष नहीं लगा सकता, वरन उन लोगों के द्वारा शैतान के कामों के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है। आपकी और मेरी आज्ञा पालन, आपका और मेरा अधीन रहना वचन के, आपकी और मेरा आज्ञा पालन करना, प्रभु के वचन पर चलना शैतान की शर्मिंदगी का कारण बनता है, समझ रहे हो। अगर हम आज्ञा पालन करेंगे, प्रभु को प्रसन्न करेंगे, उसकी बात को मानेंगे, उसकी आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, उसके ग्रहणियों के जीवन जिएंगे, उसको प्रसन्न करेंगे, उसकी सिद्ध इच्छा को पूरा करेंगे, अगर हम शरीर की बातों पर मन नहीं लगाएंगे, अगर हम संसार से प्रेम नहीं करेंगे, शारीरिक अभिलाषाओं में ध्यान नहीं देंगे, अगर हम प्रभु की आत्मा के चलाई चलेंगे ना, तो मेरे भाई और बहनों, हमारा वो आज्ञा पालन शैतान के ऊपर करारा तमाचा बनकर पड़ेगा और शत्रु के ऊपर स्वयं, मतलब कहने का ये है कि शैतान हमारे ऊपर दोष नहीं लगा सकेगा, वरन शत्रु खुद शर्मिंदा होगा। शैतान कभी हमारी गलती नहीं खोज सकेगा, अगर वो गलती खोज रहा था तो उसका मतलब परमेश्वर शर्मिंदा हो रहा था, अगर शैतान हमारी गलती नहीं खोज पा रहा है तो उसका मतलब शैतान शर्मिंदा हो रहा है। किससे? हमारे आज्ञा पालन करने के द्वारा, जो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हमारे अंदर होकर हो रहा है, समझ रहे हो। अगर हम आज्ञा पालन करेंगे, क्योंकि अय्यूब ने यही किया, आखिरी सांस तक वो परमेश्वर का विरोधी नहीं बना, ना ही उसने अपनी पत्नी को गाली बकी, समझना, ना ही उसने शैतान के ऊपर दोष लगाया, हे शैतान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, नहीं, उसने अपनी आज्ञा पालन के द्वारा शैतान को शर्मिंदा किया। सच समझना इस बात को, गहराई समझने की कोशिश करना। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो ना तो किसी को दोषी ठहराते हैं, ना ही शैतान को दोषी ठहराते हैं, ना परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं, वरन वो अपने आप को वचन से जांचते हैं, परखते हैं, चेक करते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिनके ऊपर शैतान दोष नहीं लगा सकता, और शैतान कभी उस व्यक्ति पर दोष नहीं लगा सकता जो व्यक्ति अपने पापों का अपने मुँह से अंगीकार करता है कि प्रभु हाँ मैंने झूठ बोला, चुगली की, दोष लगाया, बुराई की, कमी निकाली, ठट्टा किया, अनादर किया, गलत चीज़ें देखी, सुनी, सोची, बोली, बुलाई, मैंने सभी पाप किए, मुझे क्षमा कर दे। अगर एक विश्वासी पाप करके अपने आप को सही दिखा रहा है, या वो पाप करके पश्चातापी नहीं है, अगर वो पाप करके यूं ही खुला घूम रहा है, अगर वो पाप की अवस्था में रहकर और बिल्कुल भी अपने आप को ऐसा फील नहीं कर रहा है कि मैंने पाप किया, वरन अपने आप को बहुत पवित्र जान रहा है, तो इसका मतलब वो विश्वासी परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने का कारण बन रहा है शैतान के द्वारा, और शैतान उस विश्वासी पर भी दोष लगा रहा है, देख इसने पाप कर दिया और ये सोच रहा है कि मैं तो पापी नहीं हूँ, समझ रहे हो। लेकिन जैसे ही वो विश्वासी अपने पापों को अपने मुँह से कबूल करेगा, हाँ प्रभु मैंने गलत नज़र से देखा, मेरे मुँह से गाली निकली, मैंने झूठ बोला, मैंने गंदी चीज़ें खाई, मैंने नशा किया, प्रभु मेरे इस पाप को क्षमा कर, तुरंत प्रभु उसको क्षमा करेगा, तुरंत शैतान शर्मिंदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक विश्वासी
जो जब भी वो विश्वासी अपने पापों को अपने मुंह से कबूल करता है, हाँ प्रभु मैंने अपने पापों को तेरे पास आके मान लिया, तूने कहा है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। प्रभु तूने कहा अपने पाप का अंगीकार कर, हाँ प्रभु मैंने अपने पापों को कबूल करता हूँ तेरे सामने, मैंने ये पाप किए, जितना मुझे समझ इतना मुझे स्मरण है प्रभु, मैंने जानबूझकर जाने और अनजाने में मैंने ये पाप किए, तुझे जानने के बाद भी मैंने ये पाप किए, मुझे क्षमा कर दे। जैसे एक विश्वासी अपने पापों से तौबा करता है तुरंत शत्रु शर्मिंदा होता है, तुरंत शैतान शर्मिंदा होता है, क्योंकि वो विश्वासी अपने पाप का अंगीकार करने के द्वारा यीशु के लहू से धुल जाता है। क्योंकि प्रभु ने कहा है जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली, जा तेरे पाप क्षमा हुए। क्योंकि तूने कहा है, प्रभु के वचन में साफ लिखा है तू मेरे पास आके मान ले मैं तुझे क्षमा कर दूंगा, तेरे गलती को पापों गुनाहों को अपराधों को देखूंगा भी नहीं, अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा, इतना दूर कर दूँ जितना कि पूरब से पश्चिम दूर है, तुझे अपने लहू से शुद्ध कर दूंगा। तो यही सबसे बड़ी मेन चीज़ है, जब एक विश्वासी अपने पापों का अंगीकार करता है। समझना, क्वेश्चन ये आ सकता है प्रभु हम तो फिर तेरे ग्रहणियों के बन ही नहीं सकते, बन सकते हैं, पाप देखो हो रहे थे हमसे, अगर हमसे हो गया हमें पश्चाताप हृदय रखना है, माफ़ी मांगनी है, जानबूझकर गलती करनी नहीं है, अनजाने में हो गया तो हमें तुरंत पश्चाताप करना है, अगर हमें नॉलेज नहीं है, देखो कैसा भी हमसे पाप हो गया है हमें पूरे हृदय से उसका पश्चाताप करना है, प्रभु से बोलना है प्रभु ये पाप मुझसे हुआ मुझे माफ़ कर दे, अपने पापों की तौबा करनी, अपने पाप का अंगीकार करना है, गलतियों की माफ़ी मांगनी है, और हमें ये भी रखना है कि हाँ प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ, मैं उठना चाहता हूँ, मैं पाप नहीं करना चाहता, मेरे अंदर की खमीर बुराइयाँ ख़त्म कर दे, तब परमेश्वर उसको क्षमा करेगा। जो बदलना चाहता है, जो अपने पापों का अंगीकार करता है, जो ये स्मरण करता है कि हाँ प्रभु मैंने पाप किया, तो परमेश्वर तब उसको क्षमा करेगा। जैसे इस विश्वासी की ज़िंदगी में क्षमा आएगी तब शैतान दोषी ठहरता है, तब शैतान शर्मिंदा होता है, तब परमेश्वर खुश होता है कि हाँ मेरे बेटे ने चलो पाप किए थे कोई बात नहीं, लेकिन अब इसके पाप क्षमा होंगे क्योंकि इसने अपने पापों का अपने मुंह से बोल दिया कि हाँ प्रभु मैंने पाप किया। जैसे इसने अपने पापों के बारे में पश्चाताप किया तो मैंने इसके पाप क्षमा कर दिया, अब इसके ऊपर से शैतान ने जो दोष लगाए थे वो हट चुके हैं और शैतान शर्मिंदा हो रहा है। अब शैतान इसको जब तक दोषी ठहरा रहा था जब तक इसने अपने पापों को अपने मुंह से कबूल नहीं किया था, लेकिन जैसे इसने कबूल कर लिया वैसे इसके ऊपर से सारे दोष हट गए, साफ हो चुका है मेरे लहू से। हालेलुया। तो प्रभु चाहता है कि एक विश्वासी कुछ परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो अपने पापों का फौरन अंगीकार करना जानते हैं और बदलने की इच्छा रखते हैं, बदलना चाहते हैं, पापों का पश्चाताप करते हैं, पूरी गहराई से पश्चाताप करते हैं, आंसू के साथ भी परमेश्वर के आगे आते हैं, प्रभु हाँ मैं बदलना चाहता हूँ, मैं ये गलती नहीं करना चाहता, मैं पाप नहीं करना चाहता, मुझे बचा ले, मुझे बदल दे। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को बदलता है, जो इच्छा रखते हैं उनको बदलता है, जो भूखे और प्यासे वो तृप्त होते हैं, और ऐसे लोगों के ऊपर शैतान दोष नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि जो अपने पाप का अंगीकार करना जानते हैं वो यीशु के लहू से शुद्ध हो जाते हैं, जो शुद्ध हो जाते हैं शैतान उनको छू नहीं सकता, उनके ऊपर दोष नहीं लगा सकता। हालेलुया। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है जो अपने पाप का अंगीकार करना जानते हैं, जो पश्चाताप रख करते हैं, जो बदलना चाहते हैं, जो इच्छा रखते हैं, जो अपने हिस्से का काम करने की पूरी कोशिश भी करते हैं, चाहे गिर रहे थे लेकिन फिर भी बदलना चाहते हैं, प्रभु मुझे बदलना, मैं फिर से सॉरी बोलता हूँ, सो सॉरी लॉर्ड मुझे बदल दे, मैं पापों की तौबा करता हूँ, ऐसे लोगों के ऊपर शैतान दोष नहीं लगा सकता, और ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा ले। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।